वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक विद अमर अंसारी। आप सभी लोगों का रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्कार के बॉक्स ऑफिस एनालिसिस ग्राउंड रिपोर्ट रन टाइम एंड सेंसर सर्टिफिकेट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई। तो गाइस आज के एपिसोड में भैया हम एनालाइज करेंगे एक और फिल्म, लेकिन उससे पहले हम सभी लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। फिल्म देखने का मन कर रहा है? आप सभी लोगों को क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऑनेस्टली एक क्वेश्चन पूछूं, थिएटर जाने का मन कर रहा है, फिल्में देखने का मन कर रहा है, या फिर इस फिल्म की भी वाट लगाने की प्लानिंग कर दिए हो? एब्सोल्युटली शॉकिंग। अब या तो वो दोनों फिल्में साउथ की फिल्मों की रीमेक्स थी जिनके हिंदी वर्जन अवेलेबल थे, सेल्फी का तो हिंदी वर्जन अवेलेबल था नहीं। हाँ चलो शहजादा का समझ में आता है, व्हाट वेंट रॉन्ग विद सेल्फी एंड सुपर्बली मेड फिल्म हाईली एंटरटेनिंग रिजेक्टेड लाइक हॉरिबल। शहजादा का लाइफ टाइम 34-35 करोड़ पर एप अप होगा एंड सेल्फी आज 30 लाख रुपए कमा रही है अपने 8वें दिन पर, मैक्स टू मैक्स 17-18 करोड़ का लाइफ टाइम होगा। आउटराइट रिजेक्शन लास्ट टू फिल्म्स एंड अब नंबर है यहाँ पर रणबीर कपूर एंड श्रद्धा कपूर की फिल्म तो झूठी में मक्कार का। लेट्स सी गाइस, जनता यानी कि भैया आप लोग बॉक्स ऑफिस पे इसको पेड़ा देते हो या पत्थर देते हो, ये भाई 8 तारीख को पता चलेगा। तो लेट्स बिगिन द एनालिसिस कि एग्जैक्टली ये बॉक्स ऑफिस पर क्या तहलका करेगा या फिर औंधे मुंह गिरेगा। वेल फ्रेंड्स, इस फिल्म को एक US सर्टिफिकेट मिला है। इस फिल्म का रन टाइम बहुत ही अतरंगी है। आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग कंपनी देखने के लिए गए थे एंड तभी कंपनी का जो रन टाइम था वो 2 आवर्स ऑलमोस्ट 34-35 मिनट्स का था, लेकिन जो फर्स्ट हाफ था उस फिल्म का वो 1 आवर 32 मिनट्स का था, यानी कि 1 घंटा 32 मिनट का। लोग परेशान हो रहे कि अब इंटरवल होगा तब इंटरवल होगा, अब इंटरवल होगा तब इंटरवल होगा, एंड जब चंद्रू कहता है तू और तेरी ये कंपनी खलास, तब जाके इंटरवल होता है। फर्स्ट हाफ इज 1 आवर 32 मिनट्स। वैसे ही तो झूठी में मक्कार का जो पहला हाफ है यानी कि इंटरवल से पहले वो 1 घंटा 9 मिनट 40 सेकंड यानी कि 1 आवर 9 मिनट्स एंड 40 सेकंड है, एंड दूसरा हाफ 1 आवर 30 मिनट्स एंड 20 सेकंड। यानी कि भैया दूसरा हाफ अच्छा हुआ तो मजा करेंगे वरना पॉपकॉर्न मारेंगे बाजू वाले को। 2 घंटा 40 मिनट की पिक्चर है, सेकंड हाफ इज 1 आवर 30 मिनट्स 20 सेकंड्स। एंड गाइस ये फिल्म 8 तारीख को रिलीज होने वाली है। अब कहीं सभी लोगों को पता है महाराष्ट्र एंड कई अन्य जगहों पर होली का जो त्यौहार है वो 7 तारीख को मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर फिल्म ऐसा सुनने में आ रहा था कि 7 तारीख को रिलीज हो सकती है, लेकिन द मेकर्स हैव स्टक टू द ओरिजिनल डेट ऑफ द 8th of March। एंड गाइस ये फिल्म जो है इसकी एडवांस बुकिंग खुलने वाली है संडे से, संडे यानी कि 5 तारीख को। आइडियली स्पीकिंग मुझे पता नहीं एडवांस बुकिंग को लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि शहजादा में एक गलत परसेप्शन चला गया। शहजादा की एडवांस बुकिंग 1 हफ्ता पहले शुरू हुई, लेकिन पहले 2-3 दिन एडवांस बुकिंग हुई ही नहीं क्योंकि शोज ही नहीं ओपन हुए थे। हमने डिस्कस किया शहजादा की एडवांस बुकिंग में, हाँ मुंबई में ऑलमोस्ट 200 शोज 3-4 दिन तक लगातार थे, ट्यूजडे जाके वेडनेसडे जाके उसको शोज मिले, तो यहाँ झूठी में मक्कार को रिलीज होने के लिए कितना कम टाइम है। फिल भी दे हैव ओपन दे विल ओपन द एडवांस बुकिंग ऑन संडे, तो संडे मंडे ट्यूजडे 3 दिन खाली एडवांस बुकिंग खुलेगी। अब लेट्स सी 3 दिन में एडवांस बुकिंग होती है नहीं होती है या फिर सीधा पब्लिक थिएटर में इसको देखने के लिए जाती है, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल गाइस एडवांस बुकिंग को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस है, मिक्स्ड प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर कि एडवांस बुकिंग जो है यहाँ पर इतना लेट क्यों शुरू हुई है, जल्दी एडवांस बुकिंग शुरू होनी थी। लेकिन इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यशराज फिल्म्स, दे आर द मास्टर एंड पायनियर डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवांस बुकिंग ऑफ तू झूठी में मक्कार इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो वहां पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब गाइस बात करते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या बज है इस फिल्म की। सॉन्ग्स इस फिल्म के इस गाने के सब जगह बज रहे हैं, व्यूज पे हम लोग आएंगे उस पर बहुत डिस्कशन करना बाकी है। गाने सब जगह बज रहे हैं, सिटी टूर रणबीर कपूर अलग श्रद्धा कपूर अलग कर रहे हैं। देखिए गाइस पता नहीं ऐसा दिल बोलने का मन कर रहे हैं नहीं, लेकिन जहां जहां प्रमोशंस हो रहे हैं जहां जहां क्राउड आ रहा है वो फिल्मों की पूरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो रहा है। देखिए गाइस मॉल्स में आने के लिए पब्लिक को पैसा लगता नहीं, वो आ जाते हैं, अरे इधर रणबीर कपूर आ रहे, कल मिल के आते उसको जाकर, पब्लिक भीड़ भर जाती है, वो ऑडियंस थिएटर में आना ना। हमने देखा शहजादा के टाइम पर खचाखच मॉल भरे हुए, सेल्फी के टाइम पर पागलपना चल रहा है, लड़कियां रो रही अक्षय कुमार को देखकर, थिएटर कोई नहीं आ रहा है, तो ये कोई गारंटी नहीं रहता कि मॉल प्रमोशन सिटी टूर्स विल गेट यू द ऑडियंस। ये भी खत्म हो गया है,
परसेप्शन, एक जमा एक टाइम पे था, वो हुआ करता था, रियल टेलीविजन शोज पे जाओ या नहीं जाओ इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है गाइस। तो प्रमोशंस काफी अच्छी तरीके से किए, इसका मतलब ये नहीं घर बैठो प्रमोशन नहीं करो, ये बात भी गलत है, लेकिन प्रमोशंस डू नॉट गारंटी सक्सेस फॉर योर फिल्म। वायरफ इस फिल्म को पूर्ण तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अच्छा स्क्रीन काउंट जो है दिलाने की कोशिश करेगा। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर बिकेम द मोस्ट व्यूड ट्रेलर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा इन 24 आवर्स। हज इसलिए रहा हूं कि 50.76 मिलियन व्यूज थे, लाइक्स सिर्फ 6,57,000 थे। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि लाइक्स तो नहीं आ पाते, व्यूज आ जाते हैं ऐड लगा लगा के, वो इसके साथ हुआ। लेकिन व्हाट हैपेंड विद द सॉन्ग वाज एब्सोल्युटली मिजरेबल। अरे ऐसा तो मत करो कि सामने दिख रहा है, आयलर आयला का रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में होता है होता है होता है। प्यार जो गाना है उसको 30.69 मिलियन व्यूज दिला दिया, लेकिन लाइक्स आर वेरी शेमफुल 2,13,000। अरे कल बिल्ली बिल्ली गाना जो आया ना उसको भी 24 घंटे में 13 मिलियन व्यूज थे, लेकिन लाइक्स जो थे 4 लाख के ऊपर थे। अभी बिल्ली बिल्ली के 5 लाख लाइक्स, अरे लाइक्स तो रखो। हाँ बात करो गाने की, शो मी द ठुमका 10 दिन में 38 मिलियन व्यूज है, लेकिन लाइक्स सिर्फ 2,64,000 है। प्यार होता होता 66 मिलियन व्यूज है 21 डेज में, लेकिन लाइक्स सिर्फ 4,96,000 है। एंड तेरे प्यार में वन सॉन्ग विच आई रियली लव, ओके 82 मिलियन है 30 डेज में एंड 5,87,000 लाइक्स है। तीनों गाने सुनने में बहुत अच्छे हैं, लोगों के जुबान पर आ चुके हैं, स्पेशली शो मी द ठुमका की कोरियोग्राफी बहुत सॉलिड है। जिस तरह से रणबीर उसको श्रद्धा कपूर को उठा के डांस करता है ना, और आ दिखा जरा जो तेरा स्टाइल है, वो श्रद्धा कपूर लुकिंग वेरी गुड। एंड होता होता प्यार में रणबीर की कोरियोग्राफी स्मैशिंग एक्सेलेंट। एंड तेरे प्यार में इज क्वाइट अ हमेबल सॉन्ग। तो गाने अच्छे हैं, ट्रेलर भी पब्लिक ने उठाया है, प्रमोशन अच्छे किए हैं पब्लिक ने, तो लेट्स सी गाइस फिल्म क्या करती है। अकॉर्डिंग टू मी माय प्रेडिक्शन फॉर तू झूठी में मक्का ऑन इट्स फर्स्ट डे 9.5 से 10.5 करोड़। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भैया डबल डिजिट ओपनिंग ले, वरना जितनी भी फिल्में आई है भाई सर्कस से लेकर अब तक सब सर्कस हो गया पिक्चरों का, किसी ने 10 करोड़ की ओपनिंग ली नहीं। ऑब्वियसली पठान ने ली है, पठान इज एन एक्सेप्शन, वो टॉप पर आती है। तो 9.5 से 10.5 करोड़, लेट्स सी ये फिल्म पहले दिन कमाती है या नहीं कमाती है। एंड अगर इंडिया में समझो 10 आया तो कहीं ना कहीं ओवरसीज 3 आएगा, एंड पहले दिन वर्ल्ड वाइड ये फिल्म जो है शायद 15 करोड़ रुपया कमाएगी। लेकिन फिलहाल इंडिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एटलीस्ट 10 करोड़ भी कमाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। महंगी फिल्म है, इसे और ओपन करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक पागल नंबर देके आपको एक्साइट करना नहीं चाहता। जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल बज है, वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2 फिल्मों का जो हाल हुआ है उसके बाद प्रेडिक्शन देने को भी डर लगता है। सेल्फी पहले दिन 2.55 करोड़ कमाएगी, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में। तो गाइस ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं ना जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया। तो भैया ये तो हमारा पूरा एनालिसिस रिपोर्ट अबाउट रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। और इसमें भैया आइए भैया, सुनने में आ रहा है हमारे फेवरेट एक्टर अर्जुन कपूर के पिताजी भी हैं इस फिल्म में, अरे मुन्ना झगास झगास बोनी कपूर। तो बोनी कपूर भी है इस फिल्म में, तो हम इस फिल्म को बोनी कपूर के लिए भी देखने के लिए जाएंगे। तो लेट्स सी गाइस फिल्म देखने तो पता चलेगा किस तरह सी है। अब ये भी मैं बोल नहीं सकता हूँ, अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा हुआ तो फिल्म अच्छी चलेगी, और तुम लोग ने वो भी ऐसा करके फेंक दिया। सेल्फी का वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा था फिर भी फिल्म नहीं चली, तो अब क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये फ्राइडे डिसाइड करेगा। तो भैया फ्राइडे को नहीं मिलेंगे, अब संडे को मिलेंगे रात को, जब इसकी पहले दिन की एडवांस बुकिंग जो है वो शुरू होगी। कल का एक दिन जाने देते हैं। रोड टू तू झूठी में मक्कार हैज बिगन, द नेक्स्ट बिग फिल्म इन द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एज ऑलवेज से स्टे कूल।